अविनाशी घट घट बोले कैलाशी दूर करो उदासी भोले भंडारी लीला निहारी करू किस बात से बखान बढ़ा दो हम सब किसान भोले 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 तेरे कमंडल डोले आजा होले होले लगवा दे दम मिट जाए गम कमाएगी दुनिया खाएंगे हम बम 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 खुश रहो हरदम न तुझे धोखा न मुझे गम चलिया क्षमा चम चेत माँ भवानी भूखे को भोजन प्यासे को पानी दुख रहे न परेशानी जी रहे माता तेरी मेहरबानी माँ सर्वेश्वरी माँ जगदम्बे कर हाथ लंबे गुरुदेव दत्त जहाँ दत्त वहाँ सत गिरनारी ध्वजाधारी भरोसा लाए भारी शिखर पर बैठ के बाबा कवल लो हमारी बैल वाले बाबा खप्पर वाली माई दोहाई है दोहाई बालाजी ने वाल लगाई चली है धाई धाई तू सिद्ध कही के लाई हम सिद्ध कही के पवाई ते पाई सिद्धो खाओ पियो नाचो कूदो सिद्ध बाबा मौत गिरी सरकार अद्भुत चमत्कार महिमा परम्पार भरा रहे भंडार कर दो बेड़ा पार सुन लो मेरे सरकार दात्या दातार गुले गुलजार भक्ति भक्तन हार साचा है दरबार हो रही जय जयकार सिद्ध बाबा मौत गिरी सरकार मौज गिरी की मौज करेगी हमेशा मौज बजरंग बांका ढेर चारों नाका ढेर अगाड़ी ढेर पिछाड़ी पकड़ के लिया उनको जिन्होंने धर्म की राह बिगाड़ी अब धूत पंजा रख मजबूत मारो छोटा भागे भूत राम नाम का गोला छूटे भाग जाए यमदूत शिव समान दाता नहीं विपत विदारण हार लज्जा सबकी राखियो नंदीश्वर असवार बिना पिए मन भटकत रहा है पिए रहा है मन ताजा पकड़ घुटकिया लय जाता है बैकुंठपुर का गांजा पी लो प्याला प्रेम का अखियां कर लो लाल भजन करो श्री हरि का झक मारेगा काल अकाल मौत वो मरे जो काम करे चंडाल का काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का बोलो जय महाकाल जय महाकाल। जेब में अकड़ है और बात में गजबे हनक है काय बड्डे पहचानो नहीं का जे जबलपुर है जिसने अपने आप को महाकाल को सौंप दिया उसको डर किस बात का। चलिए बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। मैं कोशिश करूंगा कल सुबह की आरती में मैं अपने परिवार के साथ आऊं मम्मी पापा के साथ आऊं। ये लाठ है क्या लाठ लाठ जग जो कराते हैं वो लाठ गाड़ते हैं लाठ जो बोलते हैं ना कि बड़े लाठ साहब आए वो यही है कि मतलब लाठ के लड़के हो पहले जो यज्ञ करवाते थे तो वो लाठ गड़वाते थे तालाब के पास वो एक तरह से धाकड़गिरी की निशानी थी। हाँ, धाकड़ मतलब मिर्जापुर उसका मतलब ये पूरी तरह से संपन्न हुई कोई विघ्न नहीं अच्छा उसका निशानी रहती जिसमें खंडित हो गई उसमें लाठ नहीं गड़ेगा। मैंने ये सुना कि ये पावर की एक निशानी होती है कि लाठ साहब हो क्या वो अब बन गया है अच्छा उदाहरण अब लिया जाने लगा है लेकिन पूर्व में जो सबसे धर्म संगत धर्मनिष्ठ लोग होते थे वो जब बड़ी बड़ी भागवत या धर्म कार्यक्रम करवाते थे तो उसके उपरांत वो एक स्मृति चिन्ह के तौर पर स्मृति प्रतीक के तौर पर लाठ बनवाते अच्छा और वो जैसे ये सीमेंटेड है साथ पहले के टाइम पर जो थे ये जो लकड़ी की होती थी और शीशम वगैरह के पेड़ होते हैं जैसे बड़े बड़े जैसे तुमने वहाँ देखा था सीधी में जाते हुए सीधी शहडोल में अक्सर लकड़ी का ही गाड़ते हैं। हम भी 13 जग करवाए हैं शहडोल जिला में वहाँ लकड़ी का ही गाड़ते हैं आप सही कह रहे हैं और कहीं कहीं सीमेंट का भी बनवा देते हैं सरिये डाल के सीमेंट बनवा के पक्का कर देते हैं कि लाड़ साहब खड़े हैं बिगाड़ लो जो कुछ बिगाड़ना बिगाड़ लो जो कुछ बिगाड़ना सही बात है। अच्छा ये बताइए मतलब वो जैसे आपने कहा भगवान शंकर के बारे में तो इसके प्रमाण की अगर हम बात करते तथ्यों की बात करते हैं तो कब जो है तो इनकी गांजा पीने या भाग लेने का गांजा भांग का हम प्रदर्शन नहीं करते। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं गुरुदेव दत्त के रूप दत्त भगवान चिलम पीते थे तो उसी में शंकर भी हैं विष्णु भी हैं ब्रह्मा जी भी हैं तीनों पीते हैं
क्यों? ये प्रेम का प्याला है, पी लो प्याला प्रेम का, अखियां कर लो लाल, भजन करो श्री हरि का, झक मारेगा काल। बोलना तो धतूरा भी खा लेते थे, तो हमारी आपकी थोड़ी गारंटी, धतूरा खा ले पागल हो यार। तो इसमें गारंटी रहती है कि आप पागल नहीं होगे, इसमें गारंटी रहती है गांजे में कि आप पियोगे तो पागल नहीं होगे। गुलाबी चीज अति शरबत बढ़ती, अति नहीं करना चाहिए। जैसे बोले सुबह शाम हम भोलेनाथ को भोग लगाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से उसकी व्यवस्था करते हैं। तो आप अभी बोले कैसे अड़गड़नाथ आए, आप दर्शन किए, पूरा सब कुछ किए, पब्लिक तो बहुत थी, बाबा जी तो आपके सामने ही खड़े, तो बाबा जी से तो आप नहीं साथ सकते, कुछ ना कुछ विशेषता देखे होंगे तो हमारे पास आए। अब थोड़ा बाबा जी से बात करते हैं, थोड़ा अब आप अपने बारे में बताइए। रामायण के गूढ़ार्थ प्रवचन करता है, जो श्री रामचरितमानस में गूढ़ तत्व हैं जिनका निराकरण नहीं कर पाते व्याकरण वाले, उनमें बाबा जी का जो है तो प्रवचन रहता है, समाज सेवा। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा, तो जैसे रामायण और हम लोग भक्ति की बात करते हैं जी, तो मेरे ख्याल से त्योंसर तहसील में सबसे ज्यादा सुंदरकांड का पाठ और अखंड मानस कीर्तन होता है। कीर्तन गाने वाले भी पैसा लेते हैं? नहीं, वो तो ठीक है, अगर आप टाइम दे रहे हैं किसी चीज में तो आपको समाज को आपका खाने पीने का तो इंतजाम करना पड़ेगा। जैसे जो साधु होते हैं वो उन खेती करने नहीं जाते, उनको जो खेती करते हैं वो लोग लाके समर्पित करते हैं जी, है ना, क्योंकि हम सब एक ना एक तरह से एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। धन्यवाद। तो मैं ये मेरा ये सवाल है कि अभी इतना धर्म कर्म का काम हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पे जब यंग था, 12वीं तक यहाँ पढ़ाई किया हूँ मैं, उस समय कभी कहीं एक आध जगह में जो बड़े लोग होते थे वो भागवत करवाते थे या सामूहिक भागवत करवाते थे, और उसमें जन सैलाब उमड़ता था। अभी क्या है, हर घर में एक ट्रेंड चल गया, जो अच्छी बात है, अपने सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छी बात है, पर कहीं ना कहीं उसका मतलब जो सुनते हैं, जो सुन रहे हैं, जो सुना रहे हैं, वो उन चीज़ों को नहीं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते कि जो रामायण में लिखी गई चीज़ है मैं उसको ध्यान अमल में जिंदगी जी अमल में नहीं लाते, उसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, इसमें भी गोस्वामी बाबा जी लिखे कि श्रोता वक्ता ज्ञान नहीं, जो श्रोता है, जैसे इस समय आप श्रोता है हम वक्ता है, तो श्रोता वक्ता ज्ञान नहीं कथा राम का गुड़, अकिम समझा मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूल, ये कल के कलयुग के मल के वजह से उसके प्रभाव की वजह से तो सब प्रदूषित होती है, मतलब चीजें अगर देखा जाए नैतिकता गिरती जा रही है। हाँ, वहीं पर गिर रही है ना, अब आया तो संगीत के साथ में श्रीमद भागवत कथा सुनाने, कथा तो कुछ बातें नहीं, और जो भागवत बांटनी चाहिए वो भी नहीं बांटते भाई, 7 दिन वो हुए और जाते टाइम बोल दिए मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, बस यह गा के चले जाता अपन सब। लोगों द्वारा और मीडिया के द्वारा ये बताया कि रीवा में कोरेक्स का नशा जो है घर घर में फैल चुका है। वो लड़का जरा खोया खोया सा रहता है, न जाने कौन सा नशा करता है, कुछ लोगों ने पीढ़ियां बर्बाद कर दी, तभी तो ये शहर माहौल बन। इसको माहौल क्यों बोलते हैं? हुआ ऐसा कि मेडिकल स्टोर में 4 आदमी खड़े हुए हैं, सामने वाला कोरेक्स लेने जाए, मांगेगा कि मुझे कोरेक्स चाहिए। सब लोग शुरू में कुछ लड़कों ने इसे ऐसे ही आपस में बैठ के और बातें की कि क्या किया जाए, वो कोई व्यक्ति गया बोले अच्छा माहौल है, तो उसी से ये माहौल शब्द आया कि कहीं जाते हैं तो कोई एक सीक्रेट कोड बढ़ता है।
कोरेक्स का नशा करने के बाद दो तीन चीजें हैं, जब कि इतने नशे में हो जाता है तो एक्सीडेंट कर बैठता है। हवा के बाद उसको जाओ मार डालो तो वो आदमी मार डालेगा। ज्यादातर युवा ही आते होंगे आपके सेंटर? 12 साल से लेके 60 वर्ष 12 साल से लेके 12 साल के पेशेंट आ चुके मेरे पास। कोरेक्स ना मिली तो उनका व्यवहार कैसा रहता है? बहुत अच्छा रहता है। मान लीजिए नॉर्मल तौर पर व्यक्ति दो बार टाइम पे सुबह और शाम चाय पीता है, तो कोरेक्स पीने के बाद लगभग दिन भर में कितने बार चाय की डिमांड करता है? 4-5 बार। एक और खासियत है इस नशे की, इसमें आपको स्वीट के अलावा कुछ नहीं अच्छा लगेगा। जितने बार आप देंगे चाय उतनी बार वो पी जाएंगे। पुलिस स्टडी में और डॉक्टरों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो कोरेक्स है पीते हैं, हर दिन सेवन करते हैं, साल दो साल के अंदर वो नपुंसक हो जाते हैं। कोरेक्स का सेवन करने वाला व्यक्ति नपुंसक भी हो जाता है? जी हाँ, मेरे ऐसे पेशेंट आ चुके हैं। और इस वजह से उनके जो पारिवारिक क्लेश, तलाक ये चीजें बहुत बढ़ रही हैं। ये गलत है सर। नहीं होती है लेकिन? नहीं सर, ये गलत अच्छा। है जो बोल रहे हैं आप कि नपुंसक हो जाते हैं, नहीं सर ये नहीं होते अच्छा। और बच्चे पैदा होते हैं उससे। ये नशा जो है साउथ कीनिया में पाया जाता था। अच्छा। मध्य प्रदेश में केवल रीवा में सबसे ज्यादा इसका नशा है। सालों तो फैमिली वालों को ये पता नहीं चलता कि हमारा बच्चा कोरेक्स का नशा कर रहा है या मेडिकल नशा कर रहा है।